करना चाहते हैं? ये शहर देख रहे हो? हाँ सब तो देख रहे हैं। इस शहर का बादशाह कौन है? यही पूछने के लिए इतना दूर से हमको बुलाया आपने? हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है, खुदाई से पूछ लीजिए, और नहीं तो शहर के लोगों से पूछ लीजिए ना। बहुत बोलते हो, बोल लो, इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ओ दिया, अब हम जो कहते हो भी सुन लीजिए। इस शहर में रहना है तो शरीफ बनकर रहिएगा, बेबस मासूम जनता को सताना छोड़ दीजिए। ईश्वर की कुंडली में जो 4-5 दिन आपके जीवन का बाकी है उसे प्यार से गुजारिए, नहीं तो ये जो आपका लाइफ लाइन है उस पर हम स्याही पोत देंगे। और दोबारा हमको ये तमंचा का धमकी मत दीजिएगा, एक गोली आप चलाएंगे तो 100 गोली आप पर चल जाएगा। अरे उसने हाथ चलाए ना पाओ, कुंडे गायब, वो आदमी नहीं करंट है, करंट जिसका झटका लगने से पहले ही दुश्मन गायब। तो किसकी बात कर रही है? वही अजनबी जिसमें बात थी, इस दिल को ऐसे ही दिलदार की तलाश थी। दिल की बात मत सुन, दिमाग से काम ले। वो तो मेरे दिलो दिमाग में छा गया है, उसका क्या स्टाइल, बात करने का अंदाज, अदाएं। मैंने तो उसके साथ वाइफ बन के लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है। बस तू सपने देखना छोड़ दे, लाइट बंद कर और सो जा। तू अंधेरा करने की बात कर रही है? जिंदगी में पहली बार तू उजाला आया है। लाल बादशाह, आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? वकील साहेब, इजाजत काहे मांग रहे हैं? आप ही का घर है, आइए ना। उस दिन अदालत में आपके खिलाफ लड़कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? काले कोट की कमाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बैठिए, अब बैठिए ना। लाल बादशाह, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ बैठे, बैठे यहाँ पर, और कोई देख लेगा तो छप जाएगा कि कानून लाल बादशाह के कदमों में बैठा है। बोलिए क्या बात है? कुछ रही ज्यादा मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं, मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है लाल बादशाह। देखिए ये काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का है, अब वैसे भी कानून जो है वो आपके पहलू में आराम कर रहा है, उसे जगाता क्यों नहीं है? अदालत में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर मुझे माफ कर दो। माफ तो हम कर सकते हैं किंतु करेंगे नहीं। ऐसा मत करो लाल बादशाह, मेरी बेटी का क्या होगा? और शहर में कितना क्रिमिनल लोग आपका दोस्त है, उनसे मदद लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं? जाइए। हो गया, चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। और चलिए ना। होम मिनिस्टर साहब, जिंदगी भर मैंने कानून की सेवा की है, कानून को अपना धर्म माना है, और आज मेरे साथ ही अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए होम मिनिस्टर साहब, मेरी बेटी को बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को बचाइए, वरना उसके बिना मैं तो। बेटी? क्यों डैडी, आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं सही सलामत घर कैसे लौट आई?
अरे वो तो तू आनी थी बेटी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। कमिश्नर, मिनिस्टर, सीआईडी, सीबीआई, होम मिनिस्टर, सबकी कुर्सियां हिला डाली, इसलिए वो गुंडे तेरी परछाई को भी नहीं छू सके। ये सब मेरी करनी है बेटी, मेरी। आपकी करनी का फल मैं आज भुगतने वाली थी, वो तो ऐन वक्त पर एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। किसने? लाल बादशाह। पापा एका होटल है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार हम इधर हैं और आप उधर। बोलिए ठीक कहते हैं कि नहीं? सलाम साहब। सलाम। क्या लाओ, आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, भिंडी फ्राई, दाल फ्राई, आलू? एक चाय। एक चाय? हाँ, मलाई मार के। रोज की तरह? हाँ। समझ गया लाल बादशाह, समझ गया। सिर्फ चाय? और सुनिए, यहाँ का खाने का जितना आइटम है अब बहुत ही घटिया और बकवास, मगर यहाँ का चाय उतना ही टेस्टी और बढ़िया है, इसीलिए मंगवाया है एक चाय। लेकिन कमाल करते हैं आप, आदमी दो और चाय एक। और देखिए, आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से काम, काम से दाम, दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब ये मत बोलिएगा कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप मेरी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहे? आप नहीं जानते एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की क्या इनकम होती है। कभी पर्सों पैसा हो तो 1000 रुपए, अगर ना हो तो 1 रुपए भी नहीं। ऊपर से मेरा बॉस रोज मुझे धमकी देता है कि इंश्योरेंस का कोटा टाइम ही पूरा नहीं किया तो मेरी एजेंसी कैंसिल कर देगा। कितना टेंशन, कितना प्रॉब्लम है और आप मुझे। अरे तो इतना दुखी और परेशान काहे हो रही हैं? कोटा पूरा करने में कितना रुपया लगे? 40 लाख। हाथ दीजिए, हथवा दीजिए ना, पेन लाइए। ठीक है, हम अपना पेन खुद यूज करें। लाल सिंह के नाम हो गया कोटा पूरा आपका। ऐसे? अब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ये लीजिए सर, पूरे 40 लाख इंश्योरेंस लाई हूँ। पूरे 40 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी? माय गॉड, रियली? अरे मीना, जॉन, गोपाल, शीला, जल्दी आओ। अरे मिठाई लाओ, हार लाओ, किरण का मुंह मीठा करो, 40 लाख की पॉलिसी बनवा के लाइए किरण। वाह 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 वाह, क्या बात है, मान गए किरण, मान गए। अरे 100 सुनार की तो एक लोहार की, एक ही झटके में 40 लाख की एक पॉलिसी बनवा कर लाई। वाह वाह, क्या बात है, कोई बड़ा आदमी होगा? अरे हम छोटे मोटे आदमी से मिलते कहाँ हैं। आपने लाल सिंह का तो नाम सुना होगा, लाल सिंह उर्फ लाल बादशाह। लाल बादशाह की इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाई हो? अरे हम लोगों को मरवाना है क्या पागल? Congratulations, ma'am. अरे नहीं चाहिए मिठाई, हटाओ ये हर बार, वापस ले जाओ पागल। अरे शहर का हर गुंडा जिसका दुश्मन, पता नहीं जाने कब किसकी गोली का वो शिकार बन जाए, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाती हो? तेरी एजेंसी कैंसिल कर देता अभी और इसी वक्त। आप क्या मेरी एजेंसी कैंसिल करवाएंगे? मैं आपकी कंपनी खुद कैंसिल कर देती हूँ। ये आदमी के घनचक्कर। घनचक्कर तो एक नंबर का आपका बॉस है। आप तो खूबसूरत है, गले में माला डाल के निकाल दिया, अब मूर्खता की भी लिमिट होती है। Yes, it was a great insult to me. इसलिए तो मैंने उसकी एजेंसी ही छोड़ दी। हाँ, वैसे जहाँ तक माला का सवाल है, एक नई माला अपने गले में एडजस्ट करने की ठान ली है मैंने। नई माला? इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की माला है। मैंने वाइफ बनके तुम्हारे साथ लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है। हाँ। अरे अजीब फरवा टाइप की लड़की है आप। आपके ठान लेने से हम क्या मान जाएंगे? क्यों, क्या खराबी है मुझमें? मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आंख महंगी है, या फिर मेरे चाल में कुछ खराबी है? नहीं, आपका तो पूरा डिपार्टमेंट बहुत हाई क्वालिटी का है, मगर ये बरवाला का खांड आप हमारे साथ कहना चाह रही हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यू वेरी स्वीट। एक बात कॉन्फिडेंशियली हम भी आपसे करना चाह रहे हैं। ये जो पिटी पिटी आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है। फिर कर लो ना शादी, कर लो ना। I will walk in English, I will talk in English, I will dance in English. कर लो ना। और शादी ही करना होता तब तक चुप बैठे रहते? अभी तुम चुप रहो या शोर मचाओ, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगी सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कुमारी रहूंगी। हाँ। ए देवी जी, ऐसा बोल के तो बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है आपने, इस समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? क्या बात है बेटे? माँ जी, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या? हाँ। कुछ पैसे वैसे चाहिए, मेरे पास 5-10 हजार रखे हुए। अब कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी, हम आपसे पैसा लेंगे क्या? तो किसी ने धमकी दी है क्या? कौन धमकी देगा हमको, धमकी से हम डरते हैं? तो फिर बात क्या है,
अगर तू कुछ बताएगा नहीं तो मेरी समझ में कैसे आएगा? हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन यही तो समस्या है, बता कैसे? आप क्या सोचेंगी, दुनिया क्या सोचेगी? अब मटर बहुत गंभीर है। कोई लड़की पसंद आ गई क्या? उसे उसे हम पसंद आ गए हैं। ओ। अब वो हमसे मैरिज बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें? मसाले लाले, अपना घर बसा ले। दूसरों के लिए बहुत जिया तू, अब थोड़ा अपने लिए जी ले। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मान लेते। नमस्कार लाल बादशाह। गुड मॉर्निंग। ओ, आप हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम कैसे हैं? और कैसे लग रहे हैं आप, बोलिए। Absolutely fantastic. हाँ? Fabulous, terrific. हाँ बस हो गया। और चलते हैं, अपने पिताजी को हमारा नमस्कार बोल दीजिएगा। जी। Bye. Terrific. अरे वहाँ बल्लू कहाँ गया, देखा क्या? कौन है आप? यहाँ कहाँ खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है। और हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं, बोलिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है? अरे ये रो कह रही है। अरे रोती कहाँ है, बोलिए ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए, और तो सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के चार पांच टट्टू को ले आओगे ना? अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका। तो सुनिए, हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। चलते हैं, नमस्कार। अच्छा जी बल्लू जी, वहां क्या खड़े खड़े हिल रहे हैं?